एक हेयर स्टाइलिस्ट की जिंदगी बड़ी रोमांचक होती है। जब एक चाय का स्टॉल संभालने वाला लड़का एक बड़े फैशन शो में जाके सेलेब्स की हेयर स्टाइलिंग कर सकता है, तब ये बात सच लगने लगती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बचपन में पापा की डेथ के बाद मम्मी ने एक चाय की दुकान खोली और उसके बाद हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया, और फिर मैंने 10th पास करके स्कूल छोड़कर फिर मैंने मम्मी का सपोर्ट किया। चाय की दुकान से गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर मैंने अपने दोस्तों से सलाह ली और हेयर स्टाइलिस्ट के फील्ड चॉइस की। दीदी को इस फील्ड की जानकारी थी, उनके कहने पर मैं लैक्मे एकेडमी पावर बाय एपटेक में आ गया। वहाँ जाकर हमारी करियर एडवाइज़र से बात हुई और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ समझाया। आज जो मेरा भाई जिस लेवल पे है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, और दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई को इतना अच्छा चांस दिया, और मेरे भाई की कभी कभी छोटी छोटी गलतियों को भी उन्होंने अच्छे से बैठा के उसको समझाया है। तो एज अ काउंसलर के तौर पे देखें तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं, इवन हर चीज़ें अच्छे से बताते हैं। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि मेरे भाई ने लैक्मे एकेडमी चूज़ करी और वहाँ पर से वो ट्रेनिंग वगैरह ले रहा है, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लैक्मे एकेडमी पावर बाय एपटेक की ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस आने लगा। मुझे ट्रेनर ने उम्मीद से ज़्यादा सिखाया और मुझे एंकरेज। आज मैं कई सारे हेयर स्टाइलिंग के ऑर्डर्स लेता हूँ। मेरा बेटा एक काम ये कि मैंने बहुत गौरव से है, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सिर ऊँचा करके जी रही हूँ कि मेरा बच्चा इतने मुकाम पर पहुँच गया, और मेरे परिवार इतने ताने मार रहे थे, मेरे को इसको सिर ऊँचा करके मैं इसको जवाब दे सकूँगी कि मेरे बेटे को मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरा बेटा है, मेरा सिर बहुत ऊँचा कर दिया। मैं सबको बस यही एडवाइस दूंगा कि खुद से कभी हार मत मानो और ना कभी किसी से अपने आप को कम समझो। अगर हिम्मत और मेहनत करोगे तो लाइफ में सक्सेस आपकी ही होगी।